नमस्ते दोस्तों, छाया रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने दाल और पालक से बहुत ही क्रिस्प और मजेदार पकौड़े। ये पकौड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये सुपर टेस्टी और कुरकुरे पकौड़े। इसके लिए एक छोटी कटोरी चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगाकर रख दे और दाल के अच्छी तरह से फूल जाने पर इसका सारा पानी अलग कर दे। अब इस फूली हुई दाल को पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल दें। इसी के साथ में डाल दें 1 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसको पीसने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं है, बिना पानी डाले इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर ले। पेस्ट हमें थोड़ा दरदरा चाहिए, जिससे पकौड़े बहुत बढ़िया कुरकुरे बनेंगे। और कुछ दाने इसमें साबुत भी हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बाउल में खाली कर ले। अब इसमें 1 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला ले। अब इसमें डाल दे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। अब इसमें 1 छोटा बंच बारीक कटा हुआ पालक डाल दें और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें। अब हाथ से पालक और धनिया पत्ती को अच्छी तरह से मसल ले ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह से मसलते हुए करीब 1 मिनट तक मिक्स कर ले, जिससे कि पालक की पत्तियां सॉफ्ट हो जाए और चने के पेस्ट में अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से करने से बॉल बनाने में आसानी होगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब छोटा छोटा बॉल बनाकर गरम ऑयल में डालकर फ्राई करें। अब एक एक बॉल बनाते हुए गरम ऑयल में डाल दें और फ्लेम मीडियम टू हाई करके पकौड़ों पर बढ़िया से कलर आ जाए, कुरकुरा हो जाए, फिर निकाल लें। गर्मा गर्म ये पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। अब आप इसको मॉर्निंग की चाय के साथ या इवनिंग की चाय के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। इतने कुरकुरे और मजेदार पकौड़ों के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।